हेलो गाइस कैसे हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुबई में अगर आप एक घंटे ओवर टाइम करते हो तो कितना पैसा मिलता है क्योंकि बहुत सारे वर्कर भाई ने कमेंट करके पूछ रहा था कि भाई ये कुछ बताओ कि अगर मान लिए मैं एक घंटा ओवर टाइम करता हूँ या फिर ऐसे ड्यूटी करता हूँ तो कितना पैसा मिलता है तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये सब जानकारी आपको यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा सिर्फ सिर्फ लोग आने जाने की बात करता हूँ मगर ये दोस्तों जो मैं अंदर की जानकारी आपको दे रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप दुबई में एक घंटा ओवर टाइम करते हो तो आपकी सैलरी कितना हो जाती है क्योंकि सैलरी के तो आपको मालूम है कि बेसिक सैलरी मान लिया आठ सौ है या हज़ार द्रम है बट ओवर टाइम का पैसा क्या हिसाब से मिलता है तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है कि देखिए ओवर टाइम का पैसा जो मिलता है दोस्तों वो बेसिक के हिसाब से एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी मान ली एक हज़ार धर्म है तो एक घंटे अगर आप काम करते हो तो उसका हिसाब से आपको पाँच धर्म होता है ठीक है पाँच धर्म मतलब इंडियन मनी सौ रुपये ठीक है, है तो अगर आप ओवर टाइम करते हो तो नाइन्टी परसेंट कंपनियाँ दोस्तों सवाई देती है ठीक है कंपनी के बात करो दोस्तों सप्लाई कंपनी का बात इसमें नहीं कर रहा हूँ कंपनी की बात कर रहा हूँ नाइन्टी परसेंट कंपनी सवाई देती है मतलब एक घंटे आप काम करोगे तो सावा घंटे का पैसा देगा ओवर टाइम में अगर आप हॉलीडे करते हो मान लिए गवर्नमेंट का कोई छुट्टी हो गया या संडे छुट्टी हो गया उस टाइम अगर आप काम करते हो तो डेढ़ देता है मतलब एक घंटे आप काम करते करते हो तो डेढ़ घंटा का पैसा देगा मान लिए एक घंटे का पाँच दरम हो गया तो डेढ़ घंटे का साढ़े सात दरम हो गया इंडियन मनी का हिसाब लगाओ तो सौ रुपया हो गया तो उसमें आप और हाफ़ जोड़ दो मतलब पचास रुपये डेढ़ सौ रुपये लगभग हो गया एक घंटा काम करते हो तो ओवर टाइम का दोस्तों लगभग यही हिसाब किताब है कि एक घंटा काम करोगे तो सवाई मिलेगा मतलब बेसिक के हिसाब से इसीलिए कभी भी आप यहाँ एग्रीमेंट साइन करते हो दोस्तों कंपनी में जाने के लिए तो आपकी बेसिक मेन इम्पोर्टेंट है लोग अदर अलाउंस में 200 सौ दरम पाँच सौ ऐसे करके डाल देते हैं और बोलते कि नहीं मैं तो 600 सौ बेसिक दे रहा हूँ और 500 सौ अदर अलाउंस दे रहा हूँ तो आपकी सैलरी ग्यारह सौ दरम हो जा रहा है बट इसीलिए लिए कंपनियाँ आपकी बेसिक कम लगाती है क्योंकि उनको मालूम है कि जब ओवर टाइम वर्कर करेगा तो हमें अगर बेसिक जितनी देंगे ज़्यादा देंगे उस हिसाब से वर्कर की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए दोस्तों अगर आपकी सैलरी कम से कम आठ हेल्पर में भी जाते हो तो 800 सौ दरम से बेसिक कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर बेसिक इससे कम होगा तो ओवर टाइम करोगे तो आप बिल्कुल कुछ नहीं पैसे बचा सकते हो इसलिए अगर बेसिक आपको जितना ज़्यादा हो मान ले अगर 1200 सौ दरम सैलरी अगर कंपनी लगा रही है तो उसमें अगर 600 सौ दरम आपकी बेसिक लगा रही है 600 सौ अदर अलाउंस लगा रही है तो आप उसमें बिल्कुल नहीं जाना आप बोलो कि हज़ार दरम सैलरी दो नो प्रॉब्लम बट हज़ार दरम बेसिक होना चाहिए बेसिक से फंडा यह भी है कि आप जब पाँच साल बाद दस साल बाद अगर आप फाइनल जाते हो यहाँ से अपने कंपनी से छोड़ के तो जो ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है दोस्तों वो बेसिक के हिसाब से ही मिलता है या फिर अगर कंपनी के ऊपर आप ये कंप्लेन करते हो कोई प्रॉब्लम हो गया वर्कर और कंपनी के बीच में तो आप सिर्फ बेसिक का गवर्नमेंट आपको बेसिक दिला सकती है बाकी अदर अलाउंस में वो तो कंपनी का मतलब ये के हिसाब से होता है कि हाँ मान लिए अदर अलाउंस में फूड का डाल सकता है ट्रांसपोर्टिंग का डाल सकता है या फिर और भी अदर अलाउंस में कुछ डाल सकता है बट बेसिक मेन इम्पोर्टेंट है तो यह वीडियो बनाने का मतलब यही हुआ कि आपकी सैलरी बेसिक के हिसाब से ही कोई भी कंट्री में आप जाओ आप दुबई में जाओ सऊदी में जाओ ओमान कतर बहरीन कहीं पर भी जाओ तो अगर आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा हो तभी आपको फ़ायदा हो बेसिक सैलरी कम होगा तो आपको फायदा बिल्कुल नहीं होगा तो यह बात इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों और जो भी सवाल करना चाहता है आपको कुछ भी कंफ्यूजन है चलता वीडियो भर में चार अंक का कोड आएगा उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई जरूर रिप्लाई करता है मिलता हूं दोस्तों नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ जब तक जय हिंद वंदे मातरम